जिले की कमान संभालने के बाद जिलाधिकारी ने किया मीरगंज का निरीक्षण। मीरगंज सीएचसी, नगर पंचायत, बनाया मॉडर्न प्राथमिक विद्यालय सहित धानक्रय केंद्र का किया निरीक्षण। डीएम ने नगर पंचायत में ईओ के अभिलेख को देखकर लगाई जमकर फटकार, जिसके बाद जिलाधिकारी प्राथमिक विद्यालय बनाया पहुंचे, जहां मिड डे मील की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। कक्षा 4 के बच्चों को डीएम ने पढ़ाई किताब। बच्चों की पढ़ाई को लेकर डीएम नहीं हुए संतुष्ट। कक्षा 4 की छात्रा नहीं पढ़ पाई हिंदी की किताब। डीएम ने प्राथमिक विद्यालय के बाद धान क्रय केंद्र का किया निरीक्षण, जहां कुछ किसानों ने तोल नहीं होने की डीएम को की थी शिकायत, जिसके बाद जिलाधिकारी तहसीलदार कोर्ट परिसर में अभिलेखों की करी जांच। डीएम ने कहा कि बाढ़ के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उसका सर्वे कराया जा रहा है। जिस किसी भी किसान की फसल बर्बाद हुई है उसको उसका मुआवजा दिलाया जाएगा। बरेली उत्तर प्रदेश से रियाज अली की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सर, मीरगंज तहसील में आज आपने निरीक्षण कराया, सर कहाँ कहाँ पे निरीक्षण कराया, सर क्या कुछ कमियाँ मिली है कहाँ? देखिए, मैंने तहसील का निरीक्षण जो किया है, मैंने तहसीलदार को हिदायत दी है कि जो धारा 34 के बाद जो 35 दिन के अंदर निस्तारित होते हैं वो 35 दिन के अंदर ही निस्तारित होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की फालतू की एप्लीकेशन के आधार पर उसको लंबित न किया जाए। यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसके साथ आधार होना चाहिए, उसके साथ अभिलेख होने चाहिए, और प्रथम दृष्टि आप संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये ऑब्जेक्शन वैलिड है, तभी उसको आगे इंटरटेन करें, और नहीं तो 35 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से उसका निस्तारण करें। इससे पब्लिक को काफ़ी परेशानी होती है और अनावश्यक रूप से लोग उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए एप्लीकेशन डाल दिया गया। मैंने 2-3 बातों को देखा, जो मुझे शिकायतें प्राप्त हुई थी उसकी पुष्टि भी इससे हो रही है। मैं सभी तहसीलों में मैं आदेश जारी कर रहा हूँ, 1 महीने के का ड्राइव चला के ये लोग इस तरह के मुकदमों को समाप्त करेंगे, और इसके पश्चात यदि मैं जाता हूँ और मैं निरीक्षण में पाता हूँ कि इस तरह की बात लंबित है तो मैं फिर अधिकारी कर रहेगा। सर, आपका निरीक्षण नगर पंचायत सीएससी और नगर पंचायत में भी, नगर पंचायत में यो नगर जो वहाँ का जो यो था वो काफ़ी लापरवाह टाइप का अफसर मुझे नजर आया, और मैंने उसको विशेष प्रतिकूल दृष्टि मैं उसको दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ हमले के जो वसूली संबंधित भागे वो मुझे दिखा नहीं पाए। सर, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में कुछ गुणवत्ता में कमी पाई गई है उसकी मैं देखने में मुझे लग रहा है कि चावल ठीक नहीं है। दाल तो ठीक लग रही थी मुझे, लेकिन चावल की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। मैं उस एनजीओ से बात करूँगा और भविष्य में उनका अनुबंध कैसे हुआ है, यदि इसी तरह की शिकायतें हैं जैसे कि वहाँ स्टाफ बता रहा था और भी कई शिकायतें हैं, तो मैं उनके अनुबंध को निरस्त करने की भी कार्रवाई। सर, धान क्रय केंद्र पर भी आप गए थे, वहाँ पे कुछ किसान धान क्रय केंद्र पर दोनों तरह की चीज़ें हैं। किसान खराब धान को भी विक्रय करने का दबाव बनाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो किसानों की समस्या है उसके संबंध में मैं आज फिर बैठक लूँगा। 4 केंद्र एक जगह पर खोले गए हैं, वहाँ पर जो तौल की जो उपकरण है उसके संबंध में लोगों ने शिकायत की है, तो मैंने बाट मापदारी को कहा है कि वो उसको चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद रिपोर्ट देंगे। 4 केंद्र एक ही जगह खोले गए, मेरा प्रयास रहेगा, मैं बात करके देखूंगा इनको अलग अलग किया जाए, जिससे कि वहाँ पर स्पेस मिले लोगों को और आसानी से धान की खरीद हो सके। धान की खरीद में हमेशा इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि जो ब्रोकरेज उनका जो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा वहाँ पर कि एक धान जो आया हुआ था उसमें 6-7% से ज़्यादा ब्रोकरेज था, तो ऐसे में मिलर के खरीदने की संभावना कम हो जाती है, उसे दिक्कत आती है। हमारा किसानों से अनुरोध है कि वो धान अपना साफ सुथरा करके लाएँ। ठीक है, हम यहाँ पर साफ करवाने का भी हमारा वो जिम्मा है, लेकिन इससे फिर लंबी लाइनें लगेंगी, दिक्कत आएगी, तो अपना साफ करके ही लाएँ, और 17 से 18% तक के मॉइस्चर है तो भी हम लोग खरीदवा देंगे, लेकिन 18% से ज़्यादा मॉइस्चर है उसको सुखा के मिलाएँ। सर, अभी प्राकृतिक आपदा आई है, बरसात आई है, जिसमें कि मीरगंज तहसील के चारों तरफ नदियां हैं, जिसमें किसानों की काफ़ी मतलब फसल बर्बाद हुई है, सर उसका निरीक्षण करेंगे, सर क्या कुछ मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, मैं लगातार हमारे लेखपाल जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, मैंने डीटी एग्रीकल्चर को बता दिए, मैंने कल बैठक की थी, जो जिन लोगों ने अपना बीमा कराया है मैं उन समस्त किसानों का निरीक्षण करवाऊँगा, जिससे कि उनको जो बीमा से उनको लाभ मिलना चाहिए, और उसका फिर प्रचार होना चाहिए। बहुत से लोग जो बीमा नहीं कराते हैं, छोटी सी धनराशि की वजह से वो बीमित होते तो उनको उनका कंपनसेशन उनको मिलता,
तो एक भविष्य में लोग बाग उसे बीमा के लिए प्रेरित भी होंगे, तो मैंने उनको मैं 100% उसका हम इंस्पेक्शन बीमा कंपनी के साथ करा रहे हैं। मेरे मैंने जब समीक्षा की तो ये भी संज्ञान में आया कि बीमा कंपनियों के पास इतने आदमी नहीं है कि सर्वे कर ले, तो यदि वो ये उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी आदमी बढ़ा के लगाएं, नहीं बढ़ाते हैं तो जो भी लेखपाल हमारा रिपोर्ट लेके आए या कृषि अधिकारी जो विलेज लेवल का वो लेके लाएगा, हम उस पर ही उनको साइन करेंगे, उसी के आधार पर मुआवजा तय किया जाएगा। सर तहसील में आए दिन करप्शन की बात आती रहती है, सर क्या कुछ कार्रवाई होगी आपकी तरफ से अगर कोई करप्शन की बात लेकर आती है? लेकिन ये धारा 34 का मामला जो मैंने आपको बताया, ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन का एक इस पर शिकायत रहती है, तो मैंने उसकी एक व्यवस्था दे दी। निकट भविष्य में जहाँ पर भी कोई ऐसी बात आएगी तो हम समय समय पर कार्रवाई करेंगे। आज तो मेरा पहला निरीक्षण था, मैं पहले निरीक्षण में ऐसा नहीं, मैं किसी के विरुद्ध बहुत ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ। निकट भविष्य में ये चीज़ों सुधार नहीं होगा तो मैं कार्रवाई करूँगा।